हेलो गाइस, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। मैं हूं आपका न्यूज़ रिपोर्टर, मैं लाया हूं आपके लिए मोटो ब्लॉगर यूट्यूब कम्युनिटी के बहुत सारे इंटरेस्टिंग से अपडेट। अगर आप भी कुछ इंटरेस्टिंग सा करना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हुए सबसे पहले बात करेंगे ड्रैगर जी ने यूनाइटेड की रिसेंटली प्रो राइडर 1000 के बारे में। उन्होंने अपडेट दिया कि उनके पिताजी से उनकी बात चल रही है, लेकिन उनके पिताजी का कहना है कि जो प्रो राइडर 1000 के जो कैमरे थे वो वहां से चोरी हो चुके थे। तो प्लीज जिस किसी के पास वो कैमरे हैं वो उनको आकर रिटर्न देके जाएं। इसी के बारे में बात करते हुए जीरा यूनाइटेड ने अपने वीडियो में क्या अपडेट दिए, आइए जान लेते हैं। गाइस प्लीज, अगस्त के पापा की तरफ से ये डायरेक्ट रिक्वेस्ट है। आज उन्होंने मुझे बोला है ये वीडियो डालने के लिए कि गाइस जिसने भी वो 360 कैमरा रस्ते की बाइक से चुराया है, क्योंकि वो टूटा नहीं है, ठीक है, वो पूरा प्रॉपर माउंट से किसी ने निकाला है, तो प्लीज़ जिसने भी चुराया हमें आपसे कैमरा वापस नहीं चाहिए, हमें आपको आगे भी नहीं लाना। आप बस कुछ भी करो, कैसे भी करके हमें वो क्लिप भेज दो, क्योंकि उसमें बहुत चीज़ें क्लियर होने वाली है कि किसने टक्कर मारी, क्यों मारी, कौन किसकी गलती थी, साथ में कौन था नहीं था, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो प्लीज़ मेरी ये रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस क्लिप को अलग से निकाल के आप शेयर कर दो। अगर आप इस वीडियो को नहीं शेयर कर रहे तो आप अलग से क्लिप निकाल के शेयर कर दो, पर प्लीज़ उस बंदे तक ही जानी चाहिए। सो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल, एंड अपडेट हैं काफ़ी सारे जो मैं आपके लिए लाया हूँ इस टाइम। लाइक सब चीज़ें क्लियर हो गई है कि भैया का एक्सीडेंट कैसे हुआ, किसने मारा, किसने कैमरा चुराया, क्यों उनके साथ का राइडर ऐसे भागा। एंड जो आपने अभी बात भी सुनी होगी कि आमिर माजिद को अरेस्ट कर लिया गया है। So, जैसे कि आप लोगों ने सुनी लिया होगा, ड्रैगर G900 ने आप सभी से रिक्वेस्ट करी है कि प्रो राइडर 1000 के पापा ने कहा है कि प्लीज जिस किसी ने भी प्रो राइडर 1000 के कैमरे चुराए हैं या कि लिए हैं तो प्लीज वो कैमरे उनको वापस लौटा दो। कैमरा अगर वो नहीं भी लौटाना चाहते तो उसके अंदर की जो फुटेज है, जो उनके साथ हादसा हुआ उसकी जो फुटेज है वो उनको लौटा दो। किसी भी तरीके से आप वापस करना चाहते हो प्लीज वापस कर दो, और किसी भी तरीके से आप लोगों का नाम नहीं आएगा तो प्लीज। सो इतना तो आप लोग कर ही सकते हो, जिस किसी भी ने कैमरा लिया है तो प्लीज उनको लौटा दो, उनके केस में उनको काफी हेल्प मिल जाएगी इसी की वजह से। तो इसी के साथ चलते हैं अपने अगली स्टोरी की तरफ। इन दिनों वीडियो में आप लोग देख ही रहे होंगे कि प्रो राइडर 1000 के एक्सीडेंट के बाद आमिर माजिद का काफी नाम लिया जा रहा है, आमिर माजिद का नाम काफी उछाला जा रहा है कि आमिर माजिद ने ही एक्सीडेंट किया होगा, आमिर माजिद के वजह से ये सारे इंसिडेंट हुए हैं। तो इसी से रिलेटेड आमिर माजिद ने अपने चैनल पर एक वीडियो डालते हुए सारी चीजों को, सारी बातों को क्लियर करते हुए क्या कुछ कहा, आइए जान लेते हैं। आगे वीडियो में हम एक टॉल प्लाजा के पास पहुंचने वाले हैं। ये जो टॉल प्लाजा था, इस टॉल प्लाजा से 5 किलोमीटर के आगे जाके यू टर्न के बाद जो है अगस्ता का एक्सीडेंट हुआ था। बहुत सारे रीजंस जो है लोग बता रहे हैं, ओवर स्पीडिंग था भाई, 300 मार रहा था भाई, कोई 300 नहीं मार रहा था। मेरी पूरे रास्ते में कहीं पे भी मीटर 300 नहीं चढ़ा है। हम सारे रास्ते मजाक कर रहे थे भाई 325 मारेंगे, 350 मारेंगे, अगस्ता भी कह रहा था कि मैं 400 मारूंगा। उस दिन बहुत ज्यादा विंड ब्लास्ट था, एक्सीडेंट जो था मेरे पीछे हुआ, मैं कम से कम 2-3 किलोमीटर अगस्ता से आगे चल रहा था। तो ये वाला टॉल जो था क्रॉस करने के बाद मैं और अगस्ता जो थे आगे निकल गए। मैं आगे जाके एक जगह पे रुक गया, अगस्ता भी आया मेरे साथ में आके रुक गया। वहां से एक्चुअली यू टर्न था, बट मैं और अगस्ता का था कि हम आगे राइड करेंगे भाई, अगस्ता को रिकॉर्ड करना था भाई, बिकॉज उसके वहां पे भी लंबे स्ट्रेच नहीं है। जो पीछे भाई थे वो भी आ नहीं रहे थे, तो हम वहां पे जाके रुक गए। वो जो टॉल से 5 किलोमीटर का जो रेंज थी वहीं पे अगस्ता का एक्सीडेंट हुआ। न्यूज आर्टिकल्स वगैरह देख रहा था, लोग बोल रहे हैं कि भाई वो 299 मार रहा था, 300 प्लस चल रहा था, भाई नॉर्मल स्पीड में चल रहा था। मैंने खुद बाइक जाके भी देखा था, तो बाइक का जो बैक साइड का टायर था वो फट चुका था भाई। अगस्ता के सिस्टर के साथ भी बात हुई, एंड मैं टायर वगैरह ब्लास्ट होने के कारण जो है ये सारी दुर्घटना हुई है, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है सारी चीजें कि हिट एंड रन का केस तो नहीं है। आमिर भाई तुम्हारी बाइक जाके टकराई है, मैं मेरी बाइक जाके आपको नीचे दिखाता हूँ। टॉल से निकले, यू टर्न मार के दोबारा ऑपोजिट साइड में टॉल आया, मैंने वो टॉल क्रॉस कर लिया था, मैं अगस्ता का वेट कर रहा था। मैंने सोचा या तो गोप्रो की बैटरी चेंज कर रहा है, जब मैंने कॉल किया तो वहां से आके कि एक्सीडेंट हो चुका है भाई आपके भाई का, तो मैंने ना आगे कॉल किया, मैंने कहा दादा एक्सीडेंट हो गया है, सारे के सारे यू टर्न मारो। वहां से मैंने सीधा स्ट्रेच मारा 35 किलोमीटर का, 35 किलोमीटर में हमें दादा भी मिल गए। मैं बाइक वहीं लगा दी, गाड़ी में यू टर्न मार के, वहां पे सिर्फ अगस्ता की बाइक थी। एट द प्रेजेंट भाई मैं वहां पे था, मैंने कोई व्लॉग शूट नहीं किया था। मेरे को सारे कॉल करके बोल रहे हैं भाई तेरे कारण एक्सीडेंट हुआ, तेरी बाइक से हिट हुआ भाई। तो ये वाला जो फ्रेंड था ये मेरा आखिरी फ्रेंड था, इसके बाद मैं कोई फ्रेंड नहीं बनाऊंगा। सो जैसे कि आप लोगों ने सुनी लिया होगा, आमिर माजिद ने अपनी तरफ से रिप्लाई करते हुए सारी बातों को, सारी चीज़ों को क्लियर करते हुए क्या कुछ कहा, और आप सभी का क्या ओपिनियन है अपने राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। सो फिलहाल आज की स्टोरी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपको नए मोटो ब्लॉगर नए यूट्यूबर्स के अपडेट के साथ। वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और इसी तरीके से वीडियो देखना आपको पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।